हम भी कभी ऐसे व्लॉग देखा करते थे भाई, किसी ऐसी मॉडिफिकेशन के मैं व्लॉग देखा करता था पहले। पहले भाई अपना जो मरघाट है, और मरघाट भाई देख रहे हो साइन भाई, पेंटर की दुकान पे पहुंच चुके हैं और अपना जो सामान है उसको ला रहा भाई, देखते हैं कैसा हुआ है। और भाई आज फाइनली अपनी जो बुलेट है यार वो कंप्लीट भाई हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई कल अपना व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि भाई कल ना मैं यार बहुत ज्यादा थक सा गया था, क्योंकि इसमें पता भाई क्या सीन है, अपना व्लॉग करे तो कोई दिक्कत नहीं है, व्लॉग के साथ भाई अपना ये काम करते है ना तो उसमें यार थक जाते हैं बहुत। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा, अपनी जो बुलेट है ना आज फाइनली भाई अपनी बुलेट हो जाएगी कम्प्लीट, क्योंकि आज अपना जो सामान था ना, जो हम उस दिन गेर के आए थे पेंट का, पेंट पे गेर के आए थे, और जो क्रोम का सामान था ना उसको गेर के आए थे भाई क्रोम पे, तो अभी उनको लेने जा रहे हैं भाई। और पेंटर को मैंने कॉल कर दिया, वो कह रहा भाई आ जाओ, आपका जो सामान है वो बिल्कुल रेडी है, तो अभी निकल रहे हैं भाई। और भाई आ रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठ के सेट हूँ भाई, जूते उते पैर के आ रहे हैं, और मैं तो भाई जूते उते पैर के सेट हूँ बिल्कुल, निकल रहे हैं अभी भाई को आते ही। और समीर यार आगम में से कोई से कोई 100 को पूछ लेता हूँ भाई चलता है तो ठीक है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा भाई 10:30 हो रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 10:30 हो रहे हैं, जल्दी भी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अपनी जो बुलेट है ना भाई आज उसको कम्प्लीट करके मुझे चलानी है, वो बहुत मन कर रहा है भाई उसे देख के चलाने का, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आ जाएंगे ठीक है, और जल्दी सी आके भाई उसको आज चला भी लेंगे है ना, प्रॉपर तो नहीं चला पाएंगे भाई क्योंकि उसकी जो सीट है ना यार उसमें भी भाई थोड़ा काम होएगा है ना, मैंने तुम्हें बता रखी है ना उसके जो होल वगैरह है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी, कहने का मतलब ये है। और बाटा पे भाई काम है हमको, क्योंकि एक तो भाई डीकम्प्रेसर की पैकिंग लानी है, तुम्हें पता है मैंने अभी पिछले व्लॉग में तुमने देखा होगा अपना जो डीकम्प्रेसर वो थोड़ा लीक सा हो रहा है, उसकी भी पैकिंग वगैरह आनी है। और एक अपना जो भाई साइलेंसर है ना रियर वाला शॉट बॉटल, उसकी भाई वो आएगी पत्ती उसमें थी पहले, बट वो पत्ती है ना जो वो थोड़ी यार टच होती थी उसमें, स्विंग आर्म में टच होती थी, तो वो लानी पड़ेगी दूसरी, वो भी लाएंगे आज। कहने का मतलब ये कुछ छोटा मोटा सामान अपना बाटा पे से आएगा और आज अपनी बुलेट जो हो जाएगी फिर कंप्लीट। और भाई एक चीज और है यार, मैंने पीछे व्लॉग में तुमसे बोला था और इस व्लॉग में भी तुमसे बोल रहा हूँ कि अपनी जो बुलेट भाई उसकी फाइनल लुक, उसके फाइनल होते ही उसके रिव्यू की वीडियो मैं सोच रहा हूँ डालने की है ना, तो तुम कमेंट करके बताओ भाई कि डालो या ना डालो है ना, उसकी मैं एक प्रॉपर बढ़िया वीडियो होती है ना सारा डिटेल में सब कुछ बताने की है ना, वो वीडियो एक बार मैं सोच रहा हूँ बनाने की, तो एक बार कमेंट करना तुम और फिर देखते हैं अपना प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उससे तुम्हारी भाई काफी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई भाई अगर ऐसी बुलेट बनाना चाहता है, मतलब कैसे कैसे भाई सब कुछ हुआ है ना, कोई चीज कैसे बनी, क्योंकि भाई जो ये चीज है ना ये सब मॉडिफिकेशन होती है ठीक है, ये हैंडमेड ज्यादा वर्क होता है इन सब में, तो वो सब मैं चीज तुम्हें बता दूंगा प्रॉपर। बहुत सा सामान ऐसा भी है जो आपको नियर में मिल जाएगा, और बहुत सा सामान भाई आपको ऐसा जो दूर मिलेगा, जैसे कि दिल्ली करोल बाग में कुछ भी ले लो, पर मैंने इसलिए दिल्ली करोल बाग में से एक ज्यादा सामान नहीं लिया था क्योंकि मेरे को बाटा पे भी बहुत सारा सामान मिल रहा था, तो मैंने इस चक्कर में भाई मैंने कहा यार बाटा पे से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो मैं आपको डेली भाई हर चीज एकदम प्रॉपर दिखाता रहूं कि ये कैसे होगी उस चक्कर में ठीक है, वरना भाई मैं एक साथ ही पूरा सामान लाके और 2 दिन में बुलेट को कम्प्लीट कर सकते थे हम, बट मैंने वो आपसे ही नहीं करी क्योंकि मुझे पता था भाई मैं जो अपना ये बुलेट बना रहा हूँ ना तो मेरे कई भाई भी ऐसे बनाएंगे ठीक है, सबका मन करता है भाई जैसे अपने बुलेट है उसे देख कई भाइयों के मन करेंगे ऐसी बनाने की, तो उनकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने भाई अपना एक बार में ही अपनी बुलेट जो कंप्लीट नहीं करी थी ठीक है, इसी चक्कर में मैंने बहुत रुक के और बहुत डिटेलिंग की तरफ मतलब बहुत प्रॉपर आराम से ना इसीलिए मैंने कम्प्लीट करी थी कि जो आपकी हेल्प हो जाए। तो अभी एक बार मैं समीर यार आपको कॉल कर लेता हूँ और उनको पूछ लेता हूँ भाई उनमें से कोई सा चलता है या नहीं है ना, और जैकेट बताओ तुम्हारा भाई कैसी लग रही है, ये थोड़ी ना हैवी है अभी इतनी ठंड हुई नहीं है, बट सुबह शाम की ठंड बहुत ज्यादा होती है तो उसके चक्कर में मैंने पहन रखी है, बट अभी कोई थोड़ी देर में गर्मी लगेगी ना तो इसको तार दूंगा मैं, और बाल भी यार काफी बड़े हो गए देखो, बाल भी कटाएंगे भाई बहुत जल्द, तो आने देते भाई को और कॉल कर लेता हूँ मैं एक बार समीर या राघव को, चलता है तो ठीक है वरना हम फिर जल्दी से जाके ले आएंगे है ना। और भाई हाँ एक चीज मैं तुम्हें यार बताना भूल गया भाई, अपना हम लेके जा रहे भाई i10 को ठीक है, छोटी गाड़ी को लेके जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे अपना क्रोम का सामान जो पड़ा है भाई वो बहुत फैक्ट्री एरिया है ठीक है, वहाँ पे ना थोड़ी जगह कम है तो स्कॉर्पियो में ना बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लेके जाएंगे i10 को, स्कॉर्पियो को लेके चले जाएंगे भाई, तो i10 सही रहेगी यार वहाँ पे ना भाई बहुत पतली सी ऐसी गली है, तो मैं बता भाई फैक्ट्री एरिया कैसे होते हैं, फैक्ट्रियों में ये काम होते हैं, स्पेशल कोई ऐसी जगह नहीं होती भाई की बाइक की यहाँ पे कोई क्रोम होगी या कोई होगा, फैक्ट्री होती है ना जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीजों की ना क्रोम चढ़ती है तो वहाँ पे वो डाल के आई है,
और जिंक की भी अपने तुम्हें पता भाई फैक्ट्री थी पूरी बड़ी है ना। जिंक का पता क्या सीन है भाई, ये जब ये नट बनते है ना खराद पे ही बनते, तो खराद पे बन के फिर जिंक होने जाते नट, फिर बिल्कुल नए हो जाते। तो भाई एक चीज और यार, अपनी जो ये बुलेट की जर्नी थी ना अभी तक की, इसमें मैंने बहुत सी चीज ऐसी देखी है जिनकी मैं सोचता था भाई ये कहाँ पे बनते होंगे, वो भाई सब एक ऐसे ही बनते है, कुछ भी इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। ये सब जो नट वगैरह होते है ना भाई, ये सब इन खराद वगैरह पे बनते। पहले मैं सोचता था कहाँ से कहाँ बन के आते होंगे, कैसे बनते होंगे, इतना कुछ भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है सब कुछ। बट एक चीज सही है, कहने वही वाली बात है भाई, अपना ना कोई भी चीज कोई भी काम करते हैं तो उससे सीख बहुत मिलती है। तो भाई मुझे भी ना इस चीज में बहुत देखो सीखने को मिला है, ठीक है। अपना जो भी है ना अपनी जो भी अपनी जर्नी थी बुलेट की, इसमें बहुत चीज यार सीखने को मिली मेरे को हकीकत में भाई, और सब मैंने वैसे तुम्हें भी दिखाया है ना, सब तुम्हें भी दिखाया भाई अपने व्लॉग्स कंटिन्यू। और मैंने एक भी जगह का यार मेरे हिसाब से तो भाई मैंने एक भी जगह का कोई व्लॉग मिस नहीं किया है ना, अगर कहीं पे कोई नट भी बनवा रहे वो भी मैंने तुम्हें दिखाया था। इसी चक्कर में मैंने कहा भाई सब काम देखो ऐसे ही होते हैं, करवाने वाला चाहिए हो सब जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बट एक चीज भाई, मेहनत इतनी ज्यादा है ना बस मैं बता नहीं सकता। वीडियो में देखने में भाई सब कुछ नॉर्मल लगता है, मेरे को भी लगता था, हम भी कभी ऐसी व्लॉग देखा करते थे भाई, किसी ऐसी मॉडिफिकेशन के मैं व्लॉग देखा करता था पहले, ठीक है, जब अपना यूट्यूब पे कुछ भी नहीं था, कोई भी करियर नहीं था, उससे पहले भाई मैं भी ऐसी व्लॉग देखा करता था, अपने मॉडिफिकेशन कराते रहते थे बहुत बंदे गाड़ियों की, ट्रैक्टर की है ना, बाइक की, तो मैं भी ऐसे देखा करता था। बट अब जब मैं खुद कर रहा हूँ ना भाई, अब मुझे पता लगा कि वो कितनी ज्यादा मेहनत का काम है, जो वो कर रहे थे ना उस टाइम पे, अब पता चला वो कितनी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है भाई सच में। वीडियो में सब नॉर्मल दिखता है, ठीक है, वीडियो में इतना कुछ खास पता चलता नहीं है, जब खुद करता है ना बंदा भाई तब पता लगता है। अब मैंने खुद किया है ना, अब मुझे पता लगा भाई कितना मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है ये मॉडिफिकेशन करानी, हकीकत बता रहा हूँ भाई। वो अलग बात है, आप किसी मिस्त्री के ऊपर छोड़ दो, वो खुद कराता डोले, उसमें पता है बहुत दिक्कतें है, एक तो भाई वो पैसा खाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, और भाई आपकी चीज में उसने कैसा काम किया है ना, हल्का किया है मजबूत किया है, वो सब उसे ही पता होता है, ठीक है। पैसे ज्यादा खाता है, हल्की चीज यूज करता है वो, हर चीज में हल्का मटेरियल यूज करता है भाई वो, ठीक है, और टाइम बहुत ज्यादा लेता है, मतलब काफी ऐसी दिक्कत है जो भाई अपने होती है, ठीक है। जो कुछ मुझे पता क्या फायदा है, अपनी जो बुलेट मैंने वो बनाई है उसमें मैंने मेनली पता वो क्यों बनाई भाई, क्योंकि जो उसका पीछे वाला टायर है ना वो भाई बहुत रिस्की काम है, सच बता रहा हूँ बहुत रिस्की काम है। एक तो भाई वो 150 नंबर है, ठीक है, बहुत ज्यादा चौड़ा टायर है और उसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है, तो ना उससे बहुत दिक्कतें होती है बुलेट में, इन टायरों से ना थोड़ी दिक्कतें होती है भाई बाइक में। तो इस चक्कर में भाई मैंने वो खुद ने ही इसलिए बनाई थी, मैंने कहा यार मैं इसमें भाई काम करूंगा, ठीक है, मुझे प्रॉपर पता रहेगा कि मैंने कौन सी चीज हल्की डाली है कौन सी मजबूत डाली है। अब जो मैंने अपनी बुलेट में काम किया है ना तो मुझे प्रॉपर भाई पता है कि अपनी जो बुलेट में मैंने मटेरियल यूज किया है ना सारा बहुत अच्छा मटेरियल है और मैं इसको कैसे भी चला सकता हूँ, ठीक है, कैसे भी चलाऊंगा मुझे इतना भरोसा उसमें कुछ नहीं होगा। तो इस चक्कर में मैंने सिर्फ अपना वो भाई घर पे बनाई थी और खुद ने ही बनाई थी, मैंने कहा यार ये रोड पे चलेगी, ठीक है, भगाएंगे भी हम, अब ऐसा तो है नहीं भाई मंदी मंदी चलाए, ऐसे मेरे पे चलती नहीं भाई, मैं भगाता हूँ खूब बाइक को, ठीक है, अपने स्प्लेंडर को भी अपने दोनों बुलेटों को खूब भगाता हूँ, नॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल तो रहती है, ठीक है, 70-80 स्पीड तो रहती है भाई, देखो हाईवे पे अगर जाते हैं तो। तो मैंने कहा यार रोड पे यार बाइक भागेगी, बाई चांस कुछ भी एकदम टायर में दिक्कत हो जाए और एकदम जाम हो जाए तो कुछ भी ऐसे हादसा हो सकता है, तो उस चक्कर में भाई मैंने अपने बुलेट वो जो घर ही बनाई खुद। और अपने संजू भाई से मिलो, और भाई हाय भाई क्या हाल है, कहाँ से आ रहे हो भाई? हर्ष की गल जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। कौन कौन? मैं राघव। दिल्ली राघव भी जा रहा है? चल गाइस राघव अपने साथ कैंसिल है, समीर जाएगा। तो भाई अपना जो एक्सेल है यार इसको, इसमें भाई थोड़ा कुछ मुझे कराना है, ये मैं भूल के जा रहा था घर ही, मेरे को सही याद आ गया एकदम, मैंने कहा यार कुछ तो भाई ले जाना है, फिर याद आया एक्सेल और ये सारा कुछ ले जाना है, इनमें दिखाऊंगा वहीं पे क्या होएगा। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं और पहले उठा रहे भाई अपना जो क्रोम के पार्ट थे ना, जो भी क्रोम कराई थी अपने बुलेट के पार्ट पे, पहले उठाएंगे भाई उनको, क्योंकि अपना जो रियर मरघाट है ना मैं सोच रहा हूँ उसके अंदर भाई अंदर ना पेंट लगवा लेंगे अपने पेंटर पे, जब पेंटर पे जाएंगे ना अपना सामान उठाने तो उसी पे ना वहाँ पे पेंट लगवा लेंगे अंदर अंदर, क्योंकि अगर पेंट उसमें नहीं लगवाएंगे ना वो गल जाएगा भीतर से, है ना। तो अभी जा रहे भाई फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं किधर है, थोड़ा हम भूल रहे हैं, वहाँ पहुँचते ही फिर अपना
उठाते सामान और फिर पहुंचते सीधा बाटा पेंटर पे, है ना। फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और जो अपने पार्ट है ना बुलेट के वो भी आ रहे हैं भाई, देखते हैं कैसे होएंगे। और फैक्ट्री इसमें भाई अंदर है, बहुत ऐसी ना स्मेल सी आ रही है भाई केमिकल की यहाँ पे, ज़्यादा देर ना मतलब रुका नहीं जा सकता भाई। ये देखो इसमें देखो फाइनली भाई अपना जो मरघाट है और बाकी का मटेरियल भाई पे हाथ, भाई के हाथ में है। और मरघाट भाई देख रहे हो साइन, सही में भाई इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा जाए, क्योंकि इसमें ना बहुत गड्ढे से थे। जिसने बनाया था ना मरघाट उसने भाई अपना जो ग्लैंडर है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट मार दिया था इस पर, तो ये तब बोल रहे थे भाई कि ये गड्ढे इसमें दिखेंगे, लाइन दिखेगी, बट बहुत ज़्यादा हद तक ना सही है। अब थोड़े थोड़े दिखते रहे देखो, बट इतना सही है भाई, मज़ा आ गया भाई। अपना पेंटर पर चलते अंदर ना पेंट और लगवा देते इसमें, फिर नहीं किसी फिर ना ये जंग नहीं खाएगा अंदर से, वरना जंग खा जाएगा। तो रख देते भाई इसको और पहुँचते अब सीधा पेंटर के पास। तो भाई बाटा से निकल चुके हैं, अपना सामान है जो भाई वो पीछे रखा है ना, वो रहा भाई अपना सामान, क्या क्या लिया भाई वो सब दिखाएंगे घर। और अब जा रहे भाई एक बार पेंटर के पास, एक तो इनमें खराद वगैरह का थोड़ा बहुत काम है और अपना जो पेंट का सामान है ना सारा वो उठाना है बस, फिर पहुंचना भाई सीधा घर। तो जल्दी से एक बार पेंटर के पास चलते हैं और वहीं भाई खराद की दुकान है, वहीं उन पे अपना खराद का काम करा लेंगे, है ना। तो भाई पेंटर की दुकान पे पहुंच चुके हैं और अपना जो सामान है उसको ला रहा भाई, देखते कैसा हुआ है। ले भाई ये रहा अपना सामान, बन गया बिल्कुल शीशा। तो भाई पेंट का सामान है जो अपना उसको रखने जा रहे हैं भाई गाड़ी में, और गाड़ी में से यार मरघाट अपना और लेके आना है, उस पर पेंट लगवाना है ना अंदर, उसको लेके आते हैं और उस पर पेंट लगवा के फिर निकलते सीधा घर। मरघाट पे पेंट हो चुका है और पेंट अभी गीला है और अपना खाद का काम भाई अभी चल रहा है ना। अपनी जो ये थी ना ये तो हो चुकी है और जो भोगली थी ना उसको छोटा करा रहे, बस हो गई ऑलमोस्ट। पेंट देखो भाई अभी गीला है थोड़ा, है ना, सूख जाएगा बट। अपना जो टोटली सामान था ना वो आ चुका है, ये रहा भाई मरघाट और ये पड़ा अपना चिमटा और बाकी का जो भी अपना सारा सामान था ना वो आ चुका है। और अब जा रहे भाई एक बार कुछ खाने, क्योंकि टाइम भाई फिलहाल एक बज चुका है, करेक्ट एक बज रहा है, तो कुछ खाएंगे और कुछ खा के फिर निकलेंगे सीधा घर और फिर करना है फिट। खा पी के हो चुके बिल्कुल सेट और एक भाई कोल्ड ड्रिंक लिया, इसको पीते पीते चलेंगे और अब पहुँचते भाई जल्दी से घर। और घर पहुँच के करते अपनी बुलेट को सेट यहीं पे, भाई मुझे लग रहा है दो बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते, पर चलो देखते हैं। तो भाई बुलेट के लिए ना पेट्रोल लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसमें भाई पेट्रोल है नहीं, 2 लीटर पेट्रोल यहीं से ले लेते हैं फिर चलाएंगे उसको, है ना। कर देता फुल भर दा, फुल ले इसको और भर दे फुल। ये तो होगी भाई अपनी पहले गाइस घर पहुंच चुके हैं और अपनी बुलेट का जो सामान है ना सारा थोड़ा बहुत तो मैंने उतार दिया, अपना ये कुछ थोड़ा बहुत और रह रहा है, इनको उतारते और फिर जल्दी से करते गाइस फिट। टाइम हो रहा है फिलहाल भाई 2:30 बज चुके हैं यहीं पे ही, पता नहीं कब तक होएगी। तो भाई सामान है ना जो अपना जो हम आज लेके आए वो ऑलमोस्ट भाई सारा आ चुका है। और मरघाट में तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, उस पर भाई पेंट कराया था ना अंदर, वो यार थोड़ा गीला है भाई, अभी मेरे ख्याल से सूख गया होगा, थोड़ा थोड़ा गीला है अभी भी, तो धूप में रख रखा भी थोड़ा बढ़िया तरीके से सूख जाएगा, है ना। और क्रोम चेक करो भाई, बढ़िया क्या डोडो बैठ जा आराम से, गीला हो रहा है भाई डोडो तो भीग गया किस चीज़ में। तो भाई एक बार ना अपना शूज़ वगैरह उतार लेता हूँ अंदर जाके एक बार, कुछ पानी वानी पी के और फिर अपने बुलेट को बाहर निकालूंगा और फिर उसको फिट करके फिर नहाएंगे, नहाया भी नहीं हुआ यार मैं तो भाई, गलत सीन। तो भाई ये खड़ी अपनी बुलेट और आज भाई यार ये कंप्लीट हो ही जाएगी, है ना, आज इसका लास्ट डे है, ऐसे खड़े होने का लास्ट डे है जिसका। तो निकालते भाई जल्दी से इसको बाहर और करते इसको आज रेडी। और इसकी वायरिंग यार मेरे को खोल के फिर से लगानी पड़ेगी भाई, ये मैंने गलत लगा दी, ये मेरे ध्यान से निकल गई थी, देखो गलत लग रही है, यहाँ से नहीं आएगी नीचे से आएगी कुछ, है ना। तो ये सब कर देंगे आज फिनिश, इसको कंप्लीट कर देते भाई आज। तो निकालते जल्दी से बाहर निकाल के करते इसको कंप्लीट और फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार इसको वॉश भी कर देंगे, देखो यहाँ पे धूल वूल हो गई है, बट चलो देखेंगे वो सब बाद के काम है। तो पहले निकालते बाहर, इसको निकाल के फिर करते हैं इसको सेट।
और बाकी एक सामान जो वो बाहर पड़ा है, और जो जो इसमें से उतारा था ना वो सब यही है। और एक चीज़ और भाई तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ सब कुछ। ये भाई वो है अपना फ्रंट मरगाट की पत्ती आए, इन पर भी क्रोम हुई थी, इनको भी देख लेते एक बार है ना। उतारता हूँ इनकी पन्नी में, वैसे पैक हो रहे, उतारते इनको भी। इनमें एक नट भी आया है, ले भाई ये रहा नट, मस्त लग रहा भाई नट तो है ना, अब अच्छा लगेगा हेड पे। और ये रही अपनी फ्रंट मरगाट की पत्ती है भाई, अब चेक करो यार कितनी ज़्यादा साइन मार रही है भाई है ना। पहले इतनी साइन नहीं थी इनमें, पहले यार हल्की हल्की क्रोम इन पे चढ़ रही थी, जो इन पे ऐसे ही आई थी कंपनी से ही, और अब लग रही है भाई बढ़िया। और देखो यहाँ से मैंने काट के होल किए थे, लग रहा है पता नहीं लग रहा ना, मस्त। और ये रहा भाई अपना हेड का नट, पता है कहाँ पे ले गया, अभी दिखाता हूँ। इसकी वजह से अपनी बाइक है ना फट 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 की आवाज़ आ रही भाई यहाँ से, ला भाई लुकी इंक्रीज कर दी इसने तो है ना, तगड़ी लगेगी यार, बढ़िया सही है यार। मैं इसको क्रोम पे घेर के आ गया था, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे है ना। पहले इसका कलर, पहले मैं इसका कलर गया था ऐसा ही, जैसा हेड का कलर है ना ऐसे ही करा था मैंने, क्या यार ये दिखेगा ही नहीं, फिर थोड़ा अलग दिखना तो चाहिए है ना, कॉम्बिनेशन बनेगा इसका मुझे पता है, और बन गया वो। एक बार लग जा तू बस, थोड़ा सा अटक जा भाई, अरे भाई अटक जा यार। चलो गाइस बाद में लगाएंगे इसको, अभी नहीं लग रहा है, अभी इसका मन नहीं है। तो निकालते भाई जल्दी से बुलेट को बाहर और करते आज इसको कंप्लीट है ना। और ये अपना 150 नंबर टायर जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और बाटा से भाई कुछ सामान लेके आए हैं वो दिखाऊंगा तुम्हें बाद में दिखाऊं क्या। अब तो तुम भाई इंजॉय करो अपना टाइमलेस वीडियो जल्दी, ठीक है। तो निकलते बाहर करते सेट। लाइट तो जल रही आ गई,
बैटरी डेड है क्या तेरी? भाई फिलहाल टाइम हो रहा है भाई 9:22 और भाई आज फाइनली अपनी जो बुलेट है यार वो कंप्लीट भाई हो चुकी है। और टेम्परेली ने भाई अपनी ये सीट मैंने लगा रखी क्योंकि मैंने एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, क्योंकि तुम्हें पता है अपनी जो ये सीट है ना जो इसमें हम लगाने के लिए लाए थे और जो इसमें लगेगी ये अभी भाई इसकी फिटिंग होएगी, थोड़ी मॉडिफिकेशन होएगी उसमें, तो वो उस चक्कर में अभी लगाई नहीं। ये वाली सीट भाई एक बार मैंने लगाई थी बस ट्रायल के लिए, और सीट यार वैसे मुझे ना थोड़ी सही भी लग रही है बट इस लुक के हिसाब से ना सूट नहीं हो रही है ना, बट चलो कोई नहीं। और भाई चला के देखिए ठीक है, और मरघाट देख लो पहले तो फिट हो गया भाई एकदम, ज़्यादा आगे से ऊँचा था ना अब फिट है, और भाई डोडो भी सो रहा है ला भाई, तो लुक भाई कुछ ऐसी निकल के आ रही है बुलेट की। तुम्हें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है, मुझे तो सही लग रही है बस थोड़ी सीट है ना इसने ना लुक ख़राब कर रखी है, वैसे तो सीट है ना जो सही है भाई है ना, इतनी अजीब सी नहीं लग रही बट सही है, पर ये हटा देंगे कल के ब्लॉग में ना ये हटा देंगे। और टूल बॉक्स देखो भाई मज़ा बांध दिया भाई, ज़िंदगी बना दी टूल बॉक्स ने बाइक की। अरे यार यहाँ पे बेल्ट लगानी भूल गया यार मैं, चल कल लगा देंगे। तो गाइस अपनी बुलेट भाई कंप्लीट हो चुकी है, बस कल अपना सीट लग जाएगी, कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा तुम्हें सीट वाला ठीक है, सीट इसमें लग के और फिर जो इसकी लुक है वो कंप्लीट बुलेट अपनी कंप्लीट, फिर इसकी एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे ठीक है, एक रिव्यू की पूरा प्रॉपर तरीके से सारा कुछ बताऊँगा कैसे कैसे हुआ ठीक है। अभी एक दो चीज़ मिस भी है, अभी ये एक्सल है ना ये टूट चुका है भाई, कश्ती बार ये टूट गया था, ये लाना पड़ेगा और फिर ये कसेगा, अभी एक दो चीज़ रह रही है बट वो सब धीरे धीरे अब होती रहेगी, पर बुलेट है जो अपनी कंप्लीट अब ठीक है डन। तो भाई करते हैं अपने ब्लॉग को एंड यहीं पे, मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बिल्कुल ही कंप्लीट मिल जाएगी, वैसे तो कंप्लीट बस बिल्कुल ही कंप्लीट मिल जाएगी सीट वगैरह लग के टोटल कंप्लीट ठीक है गाइस, गुड नाइट बाय बाय।